फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पर्पल वाली पत्ता गोभी। इसे हम पहले सबसे पहले हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब हमने इसे पत्ता गोभी को धो लिया, अब इसे हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। जब हमने देखो बारीक बारीक कटिंग कर लिया, अब हम सबसे पहले खाली कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून हम तेल डालेंगे। अब तेल गर्म हो रहा है तब तक हम मटर ले लेंगे, एक प्याज कटिंग कर लेंगे, लाल मिर्च कटिंग कर लेंगे, लहसुन पीस हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें हम जीरा और राई का तड़का लगाएंगे, फिर थोड़ी सी हींग डालेंगे, फिर जब पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे, कटी हुई मिर्च अच्छे से थोड़ा पका लें। फिर हम सबसे पहले मटर डालेंगे, अब थोड़े से पकाएंगे और साथ ही में प्याज डालेंगे, इसे थोड़ा ब्राउन कलर होने तक पकाएं। अब इस वक्त पकाए, अब इसमें हम गोभी डालेंगे, इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे, और इसके साथ ही हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। स्वाद अनुसार एक चम्मच हम मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। इसे ऐसे से हिला के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारी सब्जी पकने तक हम थोड़ा सा साइड साइड में थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से पका लेंगे। ये हमारी सब्जी बनके तैयार है। हम हरा धनिया डालेंगे, हमारे टमाटर